अक्सर हम जब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो कई बार हम प्लगइन या फिर थीम इंस्टॉल करते वक्त जो है एक एरर हमें देखने को मिल जाता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल एरर। अब ये एरर जो है वो कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे एक सिंगल लाइन ही लिख के आती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में एक बहुत ही क्रिटिकल एरर है और उसके नीचे जो है वर्डप्रेस का खुद का एक लिंक होता है जहां से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जो है और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि अब मैं को करना क्या है, मेरी किस वजह से जो है वो क्रिटिकल एरर आया, तो क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे अगर कभी भी क्रिटिकल एरर का मैसेज आता है और आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्लगइन की वजह से आया है या किस थीम की वजह से आया है या उस थीम के अंदर कौन सी ऐसी फाइल है जिसकी वजह से आया है, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखाया है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। चलिए गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यू एज यू कैन सी यहां पर मैं वर्डप्रेस के अंदर एक मेरा जो एक थीम है वो अपलोड कर रहा था एंड अपलोड करने के बाद जो है मेरे को यहाँ पे एक एरर मिला और एरर जो है ये मैक्सिमम जो वर्डप्रेस के ऊपर में काम करते हैं उनको इस तरह का एरर जो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये एरर से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये एरर किसकी वजह से आया, क्या प्रॉब्लम है, तो ये मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो बेसिकली ये किस वजह से आया है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा है डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो लर्न मोर अबाउट ट्रबल शूटिंग वर्डप्रेस, अगर आप ये क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है ये आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ले जाता है जहां पर जाकर हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है। तो बेसिकली यहां पर जो है मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से एरर आया है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने जो है आपका जो भी होस्टिंग करी हुई है, मेरी होस्टिंग जो है होस्टिंगर पे है बिकॉज होस्टिंगर जो है काफ़ी अच्छी वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जो है अगर आप भी अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर पे करना चाहते हैं होस्ट या डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अगर आप एनरोल करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि एफिलिएट लिंक जो है वो मैंने डाल के रखा है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो कि आपको करनी जरूरी है। तो चलिए अभी इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करना उसको देख लेते हैं। तो मैं यहां पे मेरी होस्टिंगर वाली वेबसाइट पे चलता हूं, उसके फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूं। फाइल मैनेजर में जाके जो है हमने यहां पे उसका जो फोल्डर है पब्लिक फोल्डर होता है यू कैन सी पब्लिक डॉट एचटीएमएल, इसमें जाना है। यहां पर जाकर आपने एक फाइल को फाइंड आउट करना है जिसका नाम है wp-config.php। ये फाइल ही करनी है, दूसरी किसी फाइल पे आपने काम नहीं करना है, अदरवाइज आपके पूरे जो वेबसाइट इंस्टॉलेशन है उसका पूरा नुकसान हो सकता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और एडिट पे क्लिक करता हूं। एडिट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे साइड में आपने स्क्रोल करना है, यहां पर आपको लिख के एक मिलेगा डिफाइन wp_debug, उसके बाद फॉल्स लिखा हुआ है। तो आपने ये जो लिखा हुआ है सो बेसिकली इसको आपने क्या कर देना, फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देना है सो दैट कि हमें पता चल जाए कि एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं और जैसे मैं सेव करके अब मैं अगर जाके यहां पे देखता हूं जहां पे मेरे पास लिख के रहा देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो एटलीस्ट अब मुझे जो है यहां पे कुछ डिटेल देखने को मिल रही है कि किसकी वजह से, बाकी क्या लिखा है उसको कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ यहां पे ये जो फोकस किया हुआ है यहां पे जाना है और यहां पे जाके चेक करना है। तो यू कैन सी यहां पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर wp-content के अंदर जाना है। तो मैं चलता हूं यहां पे इसको कर देता हूं बंद वापस से और यहां पे wp-content के अंदर जाना है। फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है उसके बाद में बोला थीम के अंदर जाना है क्योंकि थीम है, आपके केस में प्लगइन का इशू हो सकता है तो आपने प्लगइन वाले पे जाना है। मेरे पास यहां पे थीम वाले पे तो मैं थीम में जा रहा हूं। उसके बाद यहां पे जाके ये बोल रहा न्यूज़पेपर के अंदर, तो न्यूज़पेपर ये रहा। उसके बाद जो है ये बोल रहा है आपका इंक्लूड्स के अंदर जाना है तो इंक्लूड्स के अंदर जाते हैं। और उसके बाद में जो है यहां पे विजेट्स के अंदर जाना है तो ये रहे विजेट्स। और यहां पे जाने के बाद ये आपको एक फाइल का नाम बता रहा है, उस फाइल के अंदर जो है 7 नंबर की जो लाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको मालूम है कि वो कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मेरे थोड़ा सा मैं आसान तरीका बताता हूं। सो बेसिकली इसके लिए क्या है, न्यूज़पेपर की जो थीम है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहां से वापस चलता हूं न्यूज़पेपर की थीम तक।
न्यूज़पेपर की जो थीम है मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसको रीनेम पे क्लिक करता हूँ और इसके एंड में या स्टार्टिंग में कुछ भी आप एक जो है यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ। जैसे ही मैं रीनेम करके इसको एक बार जो है रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा जो एरर है वो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है द थीम डायरेक्टरी न्यूज़पेपर डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बेसिकली हमने उसको चेंज कर दिया, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपके केस में जो है आपने इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना है और इसको रेक्टिफाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको जो है इसका कोई और भी इशू है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गाइड यू कि किस तरीके से जो है एरर्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, कैसे उनका फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद जो है क्योंकि ये थीम आपकी इंस्टॉल्ड नहीं है तो अब आप जो है इसके पैनल पे जाएंगे तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको जो है टॉपिक पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।